नाबालिगों को बेवजह पीटने और शराब के नशे में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पिंक पेट्रोलिंग वैन के महिला पुलिस अधिकारी तानिया रॉय को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि इस पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई थी, न कि इसकी शुरुआत लोगों को हैरेस करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जब महिलाओं को हैरेस करने और बिना मतलब के बच्चों को पीटने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इस वायरल वीडियो के बाद अधिकारी तानिया रॉय को सस्पेंड कर दिया गया। बस इतना ही नहीं, समस्त पुलिस अधिकारियों को बेवजह लोगों को परेशान न करने और उनके साथ किसी भी तरीके के बदतमीजी न करने की चेतावनी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर आगे की जाँच प्रक्रिया जारी है। मालूम हो कि शहर में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की नई पहल पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन की शुरुआत की गई थी। लेकिन हाल ही में पिंक मोबाइल पेट्रोलिंग वैन की एक महिला पुलिस अधिकारी पर नाबालिग लड़के और लड़की पर हमला करने का वीडियो सामने आया था। साथ ही महिला अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का भी वीडियो सामने आया, जिसके बाद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा LASI तानिया रॉय को सस्पेंड कर दिया गया। यह घटना बुधवार रात सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 46 के अंतर्गत एक स्कूल ग्राउंड में हुई। खबरों के मुताबिक जब पेट्रोलिंग वैन वहां पर पहुंची, तो नाबालिग बात कर रहे थे और अधिकारी ने कथित तौर पर बिना कोई सवाल पूछे उन्हें पीटना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी दावा है कि घटना के दौरान अधिकारी नशे में थे। गुस्साए लोगों ने इस घटना के बाद उक्त अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की थी और मामले की कार्रवाई होने के बाद महिला LASI तानिया रॉय को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के मुताबिक उक्त महिला अधिकारी तानिया राय पहले प्रधाननगर थाने में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थी और बाद में LASI अधिकारी के तौर पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद समस्त पुलिस अधिकारी को आम जनता और महिलाओं के साथ बिना किसी मतलब के परेशान करने और बदतमीजी न करने की चेतावनी दी गयी।